अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ यूसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ यूसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, आज की भी हमारी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज मैं इंडोर फोटो के ऊपर आप लोगों के सामने वर्क करूंगा। ठीक है, तो ये पिक्चर है तो काफी अच्छी जो है इसे हमने एडिटिंग करना है। जैसे कि वाटरफॉल रनिंग हो रहा है फेस के ऊपर, ठीक है, तो सर से फेस के नीचे जो पानी स्लाइड हो रहा है इसके ऊपर हम इफेक्ट लगाएंगे फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, इसे जो हम क्रिएट करेंगे बहुत अच्छी सी पिक्चर जो है हमने क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ये चीज है जो आप लोगों के साथ किसी ने शेयर नहीं करनी। इससे हम नॉर्मली रीटचिंग करके इसके ऊपर फिल्टरिंग प्लेस करके आप लोगों के सामने बहुत अच्छी सी पिक्चर जो है रखूंगा। जैसे कि ये पिक्चर मैंने पहले भी एडिटिंग की हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना ये पिक्चर का ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, तो ये काफी इंप्रेसिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो के अंदर जरूर बात कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भाई मेरे चैनल के ऊपर नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को ऑल करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार आप जो है मेहनत किया करो, पिक्चर्स के ऊपर प्रैक्टिस किया करो, जिससे आपकी पिक्चर्स के ऊपर प्रैक्टिस करने से आपका वर्क काफी ज्यादा बेटर देन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अडोब फोटोशॉप के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं अपने सब्जेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सब्जेक्ट जो है अडोब फोटोशॉप के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो सिंपल वे सा मेथड है, इसकी स्किन की जो है हम नॉर्मली रीटचिंग करेंगे। कहने का मतलब है कि आप मिक्सर टूल ब्रश से फुल स्किन की रीटचिंग करते हैं, लेकिन हमने आज इस पिक्चर्स के ऊपर फुल रीटचिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, जस्ट नॉर्मली वन क्लिक, कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा सा वर्क करके इसे जो है बेटर देन करना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है मैं स्पॉट हील टूल से इसके फेस से जो छोटे से डॉट्स हैं उसे जो है उठा लेता हूँ। ठीक है, इसे रेज कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़े से हेयर हैं इसे भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूँ। इसे क्लियर करने से ये है कि यार आप मिक्सर टूल ब्रश से भी इसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर टूल ब्रश से जब भी आप इसे क्लियर करेंगे तो आपकी स्किन इधर से डार्क हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लैक कलर के ऊपर आप जो है मिक्सिंग करेंगे। क्योंकि ये जो है आप लोगों को ये बता दूंगा, जो हेयर जो आपके ब्लैक, जब इसके ऊपर आप मिक्सर टूल ब्रश करेंगे तो ये आपकी वो वाली स्किन को ब्लैक कर देगा। ठीक है, तो हमने जो स्पॉट हील टूल से इसे जो क्लियर कर लिया, अब जो मैं इससे क्रॉप करूंगा, ये सिलेक्शन टूल लिया। ठीक है, तो यहाँ से जितनी मुझे पोर्ट्रेट चाहिए मैं उतनी उसे क्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इमी क्रॉप, ठीक है, ये देखिए ये क्रॉप, ठीक है, ये हमारी पिक्चर जो है काफी इजी तरीके से क्रॉप हो चुकी है। ठीक है, अब जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसे जो है थोड़ा सा हमने मिक्सर टूल ब्रश से इसकी स्किन की रीटच करना है। ठीक है, रीटच करके फिर इसके ऊपर हम जो है इफेक्ट लगाएंगे, काफी अच्छी सी पिक्चर जो है क्रिएट करेंगे। ठीक है, किस तरह करते हैं, ठीक है, वेरी इजी सा ट्रिक था आज जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम डुप्लीकेट लाइट करेंगे, क्योंकि इसकी स्किन जो है हमें शॉर्पनेस तो है लेकिन फिर भी इसे हो थोड़ा सा शॉर्पनेस करेंगे। ठीक है, फिल्टर अदर हाई पास, ठीक है, ये मैंने हाई पास 1.0 रखा। यहाँ पर मैं नॉर्मल पर वीविड लाइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारे हेयर जो है शॉर्पनेस शो हो रहे हैं, ये देखिए ये शॉर्प है। इधर जो है मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ लायर को, तो ये देखिए हमारी जो ब्लरिंग पिक्चर जो है शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हमने शॉर्पनेस करके पिक्चर्स को ओके कर लिया। मर्च विजिबल करेंगे, ये दोनों लायरों को एक करने के लिए उल्टा क्लिक किया या मर्च विजिबल, ठीक है, ये हमारी पिक्चर जो है मर्च विजिबल हो चुकी है, दोनों लाइनों को एक कर लिया। ठीक है, अब फिर हम डुप्लीकेट लेयर करेंगे। अब जो है इसके ऊपर मिक्सर टूल ब्रश से इसकी स्किन की थोड़ी सी रीटचिंग करेंगे। जो मिक्सर टूल ब्रश लिया तो मिक्सर टूल ब्रश की जो सेटिंग है 25 है, लोड 75 है, मिक्स 19 है और फ्लो इसका 100 है। इसे हम इजी वे से स्टेप के साथ इसे यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो फुल स्किन को रीटच नहीं करना, जस्ट नॉर्मल मेन मेन चीजों के ऊपर हमने ये मिक्सर टूल ब्रश यूज करना, जैसे कि नोज हो गया, माथा हो गया, चीक्स हो गए, तो इन चीजों के ऊपर हमने, यानी कि इजी वे सा स्टेप है इसे यूज करना, हमने फुल स्किन को रीटच बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो ये देखें नोज को मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, जितनी जूम करके आप पिक्चर को एडिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पिक्चर और भी ज्यादा बेटर देन होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मजीद इससे रिलेटेड और भी चीजें आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, देन आप आज उनका सपोर्ट दीजिए, आप लोग सपोर्ट करते रहे, मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ से ये देखें थोड़ी सी चीक्स है, चीक्स के ऊपर भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ही आप इसकी स्किन की रीटचिंग करें, अपनी पिक्चर की रीटचिंग करके इसे जो है और भी ज्यादा बेटर देन कर सकती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फुल पिक्चर व्यू करवा दी कि ये पिक्चर किस तरह हमने क्लिक की थी। कहने का मतलब बोतल के साथ पानी हम सर पर ड्रॉपिंग कर रहे हैं, जिससे पानी जो है हमारे सर से ड्रॉप होकर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ही हम जो है इसकी रीटचिंग करते हैं, इसी तरह ही हम फोटो जो है अपने माइंड से क्लिक लेते हैं। कहने का मतलब अपने माइंड के आइडिया से इसी तरह क्लिक लेके इन चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह यही चीजें हैं जो आप लोग यूज करके अपनी पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं। इसी तरह ही आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करता रहूंगा, देन आप भाइयों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि ये चीज देखिए मैंने इसकी
स्किन की फुल रीटचिंग बिल्कुल भी नहीं की, ठीक है। जो नॉर्मली जहाँ पर हमें स्किन जो है शो हो रही है वो उसे इजी वे के साथ मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ पर मैं स्किन को थोड़ी से रीटच कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये देखें, तो हमारा ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ जो है स्किन की रीटचिंग हो गया। निक के ऊपर आती है, ये देखें निक को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही आप जो है स्किन की रीटचिंग करेंगे। मैं आपको बहुत ही फास्टली वर्क समझा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत ही तेज से वर्क कर रहा, अगर इसे मैं नॉर्मली वर्क करता इसके ऊपर काफी ज्यादा टाइम लगना था, ठीक है। तो मैं ये चीज चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा लेके आऊँ जिसको जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये देखें इसकी जो है स्किन की रीटचिंग मैंने कर ली है, ठीक है। तो अब जो है मिक्सर टूल ब्रश से जो इसका बैकड्रॉप है उसे भी मैं क्लीन करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये देखें ये मिक्सर टूल ब्रश मेरे पास है, तो इसे जो है इजी वे के अंदर मैं बैकग्राउंड के ऊपर भी सेम यही यूज करूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर काफी ज्यादा निशान थे जो है, काफी ज्यादा डर्टी बैकग्राउंड हुआ था, उसे जो हम क्लीनर्स कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। तो ये देखिए हमने इजी वे के स्टेप के साथ इसे जो है क्लियर किया, ठीक है। बैकग्राउंड भी ये देखिए हमारे सामने क्लियर हो रहा है। तो ये देखिए आगे जो है मैं नेक्स्ट छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके साथ आप अपनी पिक्चर्स को और भी ज्यादा नेचुरली कर सकते हैं और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर बैकड्रॉप जो है मैं क्लीन कर रहा हूँ, तो इसे इजी वे के स्टेप के साथ आप भी करें, ठीक है। इसे प्रैक्टिस के लिए इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप ये पिक्चर जो है डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करके इसे जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, देन आप अभी बस सपोर्ट ही आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें ये मैंने बैकड्रॉप को भी क्लीन कर दिया। तो अब जो है मेन मेथड मैंने आप लोगों को ये बताना है कि मैं थोड़े से हेयर जो है ठीक कर लेता हूँ, फिल्टर के अंदर आता हूँ, लेटिफाई के अंदर आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एक्स इसकी शॉर्ट की है, तो इसे आप इजी वे के साथ हेयर सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें मैं थोड़े से इसके हेयर जो है सेट कर रहा हूँ, ठीक है। हेयर थोड़े से जो थे करप्ट हुए हुए थे, इसे जो है इजीली आप पिक्चर को जितना जूम करके देखेंगे, कहने का मतलब इसके छोटे छोटे से फॉल्ट जो आप इंक्रेज करेंगे ठीक करेंगे तो तभी आप पिक्चर की लुक और भी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ओके किया, तो ये हमारे हेयर जो थे सेट हो चुके थे, हमारी जो फर्स्ट पिक्चर थी वो ये थी, अब ये हो गई है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल आप इसे जो है कैमरा फिल्टर के अंदर लेके चलते हैं, कैमरा फिल्टर के अंदर आप लोगों के सामने इसके ऊपर फिल्टर क्रिएट करूंगा, इसे जो है लुक वाइज फीचर करूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर है, तो इसके ऊपर जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑरेंज कलर को जो है कम करेंगे, ठीक है। इजी वे सा स्टेप है, इसे जो है कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर को थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, ठीक है, और एफएक्स लगाता हूँ। एफएक्स लगाने के बाद जो है यहाँ पर ये कलर गाइडिंग को थोड़ा सा सारों को आपको अप कर देता हूँ, ग्रीन को भी अप कर दिया, रेड को भी अप कर दिया, ये देखिए कितना अच्छा सा इफेक्ट जो है हमारे सामने इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जो हम फर्स्ट बार पर आएंगे, जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पर हाईलाइट, शेडो, व्हाइटिंग, ठीक है, कंट्रास्ट, एक्सपोजर, इस चीजों को यूज करेंगे। हाईलाइट को थोड़ा सा कम करूंगा, व्हाइटिंग को भी थोड़ा सा कम करूंगा, ठीक है, शेडो को थोड़ा सा तेज करूंगा, ठीक है। यहाँ पर कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज्यादा किया और ये जो है डेज को थोड़ा सा तेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर वाइब्रेंस को थोड़ा सा तेज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर येलो कलर जो है इसके ऊपर है, तो येलो कलर को कम ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे ये है कि हमारी जो पिक्चर है काफी अच्छी जो है एडिटिंग हो गई, ब्लू को भी थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह ही आप भी अपनी पिक्चर को इसी तरह ही इंक्रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ओके किया, ये देखें हमारे सामने कितनी अच्छी जो है पोर्ट्रेट आप लोगों के सामने शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें ये पिक्चर थी, इसके ऊपर वर्क करके हमने इसे ये किया, ठीक है। ये पिक्चर थी, इसे के ऊपर वर्क करके इस पिक्चर को ये किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करता रहूंगा, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर हम फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। तो फिल्टर जो है मैं एलियंस की नेक्स्ट सेवन का लगाता हूँ, इसको सेवन का फिल्टर जो है इंक्रेज करता हूँ, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग ये यूज करेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फिल्टर इजी वे के साथ है, यहाँ पर मैं वाइब्रेंस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कस्टम, ठीक है। तो ये देखें इजी वे के स्टेप के साथ हमारी जो है पिक्चर जो है आप लोगों के सामने क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों के साथ किसी ने शेयर नहीं करनी, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग ये चीज यूज करके अपनी पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर देन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि पहली पिक्चर ये थी, ठीक है, इसके ऊपर ये देखें हमने इफेक्ट लगाकर सेम वही पिक्चर जो है इंक्रेज की है, ठीक है। तो ये देखें यही पिक्चर है जो मैंने आप लोगों के सामने अभी ही एडिटिंग करके आप लोगों के सामने शो करवाई है। तो ये पिक्चर है और देन ये पिक्चर जो हमारी अनएडिटिंग थी वो ये पिक्चर थी, ठीक है। तो इसे कैमरा फिल्टर के अंदर मैंने आप लोगों के सामने इसके ऊपर वर्क करके इसे जो है प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने कितनी अच्छी जो पोर्ट्रेट है एडिटिंग की है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मजीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, देन आप बाजू का सपोर्ट चाहिए आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मजीद
इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहूंगा, ठीक है। हमारी फर्स्ट पिक्चर ये थी, ये देखिए कितना अच्छा वाटर इफेक्ट है, ठीक है। जब हम फिल्टर लगाते हैं तो हमारे वाटर की जो शाइन है, ये देखिए कितनी अच्छी सी शाइन हमारे सामने इंक्रीज हो रही है। तो इंशाल्लाह इसी तरह ही आप लोग ये चीजें यूज करके अपनी पिक्चर को काफी ज्यादा बेटर टेन कर सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीबीसी, अल्लाह हाफिज़।